नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाब का न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर, आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर नजर। बाराबंकी के एक गांव में एक युवक अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसका कटा सिर लेकर थाने पहुंच गया, तो इस वारदात से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव निवासी अखिलेश रावत ने आज दोपहर अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसका सिर काट लिया। यही नहीं, अखिलेश पत्नी का सिर हाथ में लेकर थाने की ओर चल पड़ा। थाने के पास पहुंचे अखिलेश को पुलिस कर्मियों ने रोक लिया और उसे हिरासत में ले लिया है। इस घटना से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच। अभी आज सूचना मिली थी, जहांगीराबाद थाने के अंतर्गत बहादुरपुर गांव है, यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वो हत्या की सूचना देने के लिए थाने जा रहा था, ऐसी जानकारी मिली थी। तत्काल इस पर स्थानीय पुलिस प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए उस आदमी को हिरासत में ले लिया है और यहाँ गांव में आने पर मालूम पड़ा है कि उसका पत्नी से विवाद हुआ, कुछ झगड़ा हुआ आपस में, उसके बाद उत्तेजना में उसने किसी धारदार हथियार से उस महिला का सर काट दिया है। उसका शव उसके घर पर पड़ा हुआ है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।